की बेला में आज मैं श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में यहाँ आया भी हूँ। काफ़ी लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिला, अलग अलग समाज के लोगों से चर्चा करने का मौका मिला, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे प्रत्याशी श्री राम निवास रावत के पक्ष में हर एक व्यक्ति ने न केवल आश्वस्त किया है बल्कि सब ने कहा कि हम भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत करके ही आपसे मिलेंगे और विकास के मामले में अपनी बात रखिए। मैंने आश्वस्त किया कि सरकार हमारी है, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, यशस्वी प्रधानमंत्री के इस भाव को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी के उस ध्येय वाक्य के आधार पर कि आखिरी से आखिरी व्यक्ति के लिए भी हमारी सरकार सदैव तत्पर रहेगी, मैं आश्वस्त करता हूँ। निश्चित रूप से अगर इस चुनाव के बाद में हमारे अपने प्रत्याशी न केवल जीत करके आएंगे बल्कि मंत्री तो हमने बनाए ही है, इस मंत्रिमंडल के साथ साथ जितना आगे हो सकता है उससे आगे बढ़ के काम करेंगे। एक बार फिर मैं सभी का अपील करता हूँ, सभी के साथ, कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और निश्चित रूप से विकास के मामले में भाजपा आपके साथ खड़ी है। देखिए, हमने आज चुनाव के दरमियान में जो शासन की मजबूरी रहती है कि हम सीधे सीधे आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने अपना मनोभाव बता दिया है कि हमारे जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर सब मिलकर के होने वाली जाति प्रमाण से लेकर कोई भी परेशानी, तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पेशा कानून से लेकर सारे कानूनों में हम लगातार काम कर रहे हैं और पेशा कानून तो वो कानून है जिसके माध्यम से पूरे गांवों के अंदर विकास करने के लिए एक सीधा मौका मिलेगा। आमतौर पर वन गाँवों के अंदर ये बड़ी कठिनाई आती है कि हमारे जो मूलभूत संरचनाओं के लिए, खासकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इसके लैंड सुरक्षित करने के लिए जगह नहीं होती है, उन सारी चीज़ों पे हम वन कानून के माध्यम से, पेशा कानून के माध्यम से काम करा सकते हैं, इसलिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया और हम उस पर काम करेंगे।